नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चार का चक्रव्यूह में। महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसे शब्द हैं जिसे आम से लेकर खास तक कोई पसंद नहीं करता, लेकिन अर्थशास्त्र में महंगाई को बुरा नहीं माना जाता, बशर्ते वो एक सीमा में हो और रोजगार की स्थिति उसे समर्थन करती हो। लेकिन जब महंगाई के साथ ही बेरोजगारी के हालात बन जाएं, तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये एक संकट की घड़ी मानी जाती है। हमारा देश आज इसी संकट में फंसा हुआ है। महंगाई और बेरोजगारी दोनों एक साथ कदम ताल कर रहे हैं। जो रोजगार और नौकरियां हैं वहां भी कमाई नहीं रह गई है। सरकार चलाने वालों को अगर ये पता ना हो कि देश के भीतर की स्थिति क्या है, सरकार चलाने वालों को अगर इस बात का एहसास ना हो कि इस देश के लोग किस अवस्था में जी रहे हैं, सरकार चलाने वालों के पास अगर कोई विजन ना हो तो क्या होगा। बात आज आप कहीं से आज भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी खड़े हैं तो टिकट की कीमत आपको ज्यादा महंगी पड़ेगी। हवाई सफर करेंगे तो अब भी सफर महंगा हो चला है। इस देश के भीतर में रेलगाड़ी में सफर कीजिए, सड़क पर सफर कीजिए, हवा में सफर कीजिए, रसोई घर के भीतर में गैस का चूल्हा जलाइए या फिर कोयला या लकड़ी जलाइए, रसोई घर के भीतर में चाहे आटा गूंथते हुए रोटी बनाइए, चाहे आप चावल बनाइए, चाहे तेल डालिए और सब्जी बनाइए, चाहे आप फल ले आइए, ये सारी स्थितियां अगर आपकी जेब के खिलाफ जा रही हो तो आप क्या करेंगे? सरकार को दोष देंगे या फिर अपनी कमाई का रोना रोएंगे? दूसरी तरफ जो कमाई आपकी हो रखी है वो कमाई भी रुकती चली जाए, थमती चली जाए और धीरे धीरे रोजगार ही खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? यानी एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ बेरोजगारी, और इस अवस्था के बीच देश को लेकर अपने संजो हुए चकाचौंध में समेटने की एक अद्भुत कोशिश, एक ऐसी उम्मीद और ऐसा सपना जगाने की कोशिश जिसके दायरे में इसे देश का डिसइन्वेस्टमेंट है और जिसके दायरे में इस देश का निजीकरण है, जिसके दायरे में इस देश में बेहतरीन गवर्नमेंस देने का वादा है, जिसके दायरे में इस देश का राष्ट्रवाद है, जिसके दायरे में इस देश में हिंदुत्व का बोलबाला है। अब आप क्या करेंगे? रसोई है, घर है और उसके बाहर नौकरी चाकरी नहीं है। इन तमाम परिस्थितियों से जूझते हुए अगर सरकार के ही आंकड़ों को अगर आप परखना शुरू करेंगे तो आप हैरत में आ जाएंगे। इस देश के भीतर में अब सभी राजनीतिक पार्टी नौकरी भी नहीं दे पाती है। जो सत्ताधारी पार्टी होती है वही रोजगार दे पाती है, और भारत के अंदर तो मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा युवाओं को कहीं नौकरी मिली है तो वो बीजेपी की राजनीतिक पार्टी यानी कि बीजेपी का पॉलिटिकल दफ्तर है, जहां पर आपको झंडे भी सजाने हैं, नारे भी लगाने हैं, चुनाव में जीते वक्त आपको चीजों को भी मैनेज करना है और शायद उसी भीड़ का हिस्सा भी बनना है जो भीड़ में नारे लगाते वक्त हो सकता है कहां आपसे पैसे मिल जाए। यही है इस देश का हाल। जो ऐसी स्थिति में सीधी बात अगर समझने की कोशिश की जाए तो अगस्त के महीने में यानी कि पिछले महीने की बात कर ली जाए तो इस देश में करीब 16 लाख लोगों की नौकरी चली गई। ये नौकरी सिर्फ संगठित क्षेत्र ही नहीं असंगठित क्षेत्र की भी है, और इसके भीतर का एक अनूठा सच ये भी है कि पहली बार महंगाई ने इस देश में लोगों को अपने तौर पर दबाव डाला कि आप रोजगार तलाशने के लिए बाजार में जाइए। यानी तकरीबन 4 लाख लोग अगस्त के महीने में रोजगार खोजने के लिए घर से बाहर निकले और कल तक वो रोजगार नहीं करते थे। कोई अपनी दुकान चला लेता है, कोई खेती में जुट जाता है, लेकिन वो रास्ते भी धीरे धीरे बंद होते चले जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात है कि भारत दुनिया में युवा देशों की कैटेगरी में नंबर 1 पर है, लेकिन इस युवा देश को संबंधों में युवा और छात्र इतना बदहाल है, ये सिर्फ इसे समझ लीजिए कि किसी भी इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार आज की तारीख में सबसे ज्यादा न्यूनतम पैसा जहां मिलता है वो है मनरेगा, और मनरेगा के भीतर 75% मजदूर करीब से 35 साल की उम्र के हैं, और इस बार इसके लिए भी बजट सरकार के पास बच नहीं पा रहा है। पिछले साल कोविड की मार थी तो उसमें 1,10,000 करोड़ तक के बजट ले लीजिए, लेकिन इस बार पैसा जो रिलीज करने की स्थिति आ रही है वो 50,000 करोड़ भी पहुंच नहीं पाई। ऐसी बदहाली के वक्त जब कमावेश
हर क्षेत्र में जब रोजगार खत्म हो चला है तो सरकार के पास क्या वाकई पैसा नहीं है? क्योंकि जो रिक्त पद हैं, यानी जो सेंशन रिक्त पद हैं, उसको भी कई बार रिओपन की स्थिति सरकार नहीं दे पा रही है। देखिए, देश में कोरोना की मार के बाद आम आदमी बेरोजगारी और महंगाई की दोहरी मार झेल रहा है। रसोई गैस के दाम पिछले 6 महीने में 140 रुपए प्रति लीटर सिलेंडर बढ़ चुके हैं। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है। खाने का तेल 200 लीटर के पार है। ऐसे में आम आदमी बीजेपी सरकार से पूछ रहा है कि बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देकर सत्ता में आई मोदी सरकार महंगाई पर कोई लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। देखिए, आम लोगों की बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहना है ये आपको भी सुना देते हैं पहले, फिर आगे की स्थिति के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। जी हाँ, मैं प्रणोशी राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑल इंडिया। जिस प्रकार से देश में जो महंगाई बढ़ती जा रही है और जनता का क्या राय है, मैं आया हूँ जनता के बीच में और मैं पूछना चाहूंगा, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम प्रकाश गुप्ता है। प्रकाश जी, जिस प्रकार से देश में और गुजरात में भी है, आप गुजरात से बिलोंग करते हो, काफी सारी महंगाई बढ़ती जा रही है, लगातार लोगों में रोष है महंगाई बढ़ने के बाद, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, तो उनके बारे में आपकी राय क्या? अभी महंगाई तो बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे सब प्रोडक्ट में बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, होलसेल में भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम लोग कस्टमर को कैसे बेचे और क्या बेचे अभी समझ में नहीं आता है, इतनी सारी महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई जिस प्रकार से आप एक प्रोडक्ट, काफी सारे बुक्स वगैरह की प्रोडक्शन, अभी स्कूलें भी खुल गई है आप, तो क्या स्कूल के जो बच्चे हैं उनके जो स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो लेने के लिए आते हैं, तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अभी इसमें क्या है कि पहले क्या डिस्काउंट पे थोड़ा दे सकते थे, अभी तो क्या है कुछ भी डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं, और उसके वजह से क्या हम लोगों को भी तकलीफ रहता है, क्योंकि अभी स्टूडेंट के पेरेंट्स को हम लोग डिस्काउंट दे भी नहीं सकते। मेरे साथ और भी एक जो व्यापारी है और काफी रोजगारी कमाने के लिए उन्होंने धंधा रोजगार स्टार्ट किया हुआ है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम आकाश चंदेल है। आकाश चंदेल जी, मैं पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से हर दिन देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, आप व्यापारी हो, किस प्रकार से दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है? बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, जैसे कि अभी तेल का भाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे यहाँ तेल यूज़ हो रहा है गुलाब का और सिंग तेल, तो कई सारे कस्टमर की क्वेरी है कि रेट ज़्यादा है और हम रेट भी बढ़ा नहीं सकते क्योंकि कस्टमर कम हो जाएंगे। अच्छा, तो इसकी वजह से बहुत सारे गैस है, पेट्रोल है, खाने पीने की सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारा भाव बढ़ा है। जिस तरीके से कोरोना नहीं था तभी व्यापार धंधा जो फला फूला था, अभी कोरोना के बाद जब अभी रेगुलर हो गए कस्टमर, फिर भी दिक्कतों का सामना महंगाई के बारे में करना पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे? महंगाई तो ठीक है, पर लोग काफी सारे डरे हुए भी है बीमारी की वजह से, और गाइडलाइन जो गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन जो भी फॉलो करते हैं उसके हिसाब से भी मार्केट थोड़ा मंदी सब लोग फेस कर रहे हैं कि बहुत दिक्कतें आ रही है। कई सालों तक परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े रहने के कारण भारत अपेक्षित गति से विकास कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व पटल पर खुद को आत्मनिर्भर और सशक्त रूप से स्थापित करने के लिए हमारी सरकारों को कई बड़े इम्तिहानों और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी के इतने सालों बाद भी पूरी तरह से चरमराई हुई थी है। भले ही हमारी सरकारें लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें उपयुक्त रोजगार मुहैया कराने का दम भरती हो, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि हमारी ज्यादातर जनसंख्या बेरोजगारी की वजह से भूखे पेट सोने और शिक्षा विहीन रहने के लिए विवश है। उसके पास किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में सरकारें जो गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से समाप्त करने के लिए नीतियां बनाती हैं, उनकी सार्थकता कितनी है इस बात का अंदाजा तो खुद ही लगाया जा सकता है। बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते इतना विकराल और भयावह रूप धारण कर चुका है कि इसका सामना करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, यानी ये कह सकते हैं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति आ गई है। कोरोना काल के दौरान और उससे पहले से ही अर्थव्यवस्था का कमोबेश यही हाल रहा है। अब कोरोना के नियंत्रण में आने और महामारी का टीका तैयार हो जाने के बाद भी इस स्थिति से जल्द निजात मिलने के आसार नहीं दिख रहे,
क्योंकि लगातार कोरोना की तीसरी लहर की बात भी सामने आ रही है। कहानी पूरे 2021 तक बनी रह सकती है और बेशक आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं और बाजार में मांग भी बढ़ी है, लेकिन बाजार रोजगार पैदा नहीं कर पा रहा। वेतन में कटौती अभी भी बहाल नहीं हुई है, ये स्थिति चिंताजनक है। वहीं देखिए, अब बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एक तरफ अब विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो दूसरी तरफ सरकार खुद को बचाते हुए नजर आ रही है। आप भी खुद ही सुन लीजिए। देखिए, आज ही पेट्रोलियम मंत्रालय का जवाब आया है कि अब नॉन सब्सिडी और सब्सिडी दोनों के दाम एक हो चुके हैं, इसलिए अब सब्सिडी नहीं मिलेगी। जितनी महंगाई भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई है, जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल थी, लेकिन फिर भी हमने ₹55 में डीजल और ₹70 में पेट्रोल बेचा। आज $70 प्रति बैरल होने के बावजूद भारत की जनता पार्टी ₹100 में पेट्रोल और ₹90 में डीजल बेच रही। जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं सरकार से। महंगाई 35% से ज़्यादा बढ़ गई, लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। क्या किसानों की फसल पर उतनी MSP बढ़ाई? सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना प्रोपेगेंडा है बीजेपी का, प्रचार और इवेंट वाली सरकार है। लेकिन देश का जनमानस अब समझ चुका है, ना तो ये महंगाई नियंत्रित कर सकते हैं ना तो रोजगार। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो लोगों के बारे में सोचती है। और आप आने दीजिए, 2022 में आप देखिएगा, कांग्रेस सरकार बनने के बाद हम उत्तर प्रदेश में महंगाई नियंत्रित करेंगे और 24 में केंद्र में बनने के बाद पूरे देश में। उत्तर प्रदेश की सरकार उन नौजवानों पे आज महंगाई का बोझ ला देने का काम कर रही है। अभी कोरोना काल में तमाम युवा, तमाम लोग बेरोजगार हो गए, उससे निजात अभी मिली भी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महंगाई का बोझ और ला दिया। आज तमाम लोग बेरोजगार, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार महंगाई से निजात दिलाने के बजाय उन पर महंगाई का बोझ लादने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि जब तमाम नौजवान आज बेरोजगार सड़कों पर हैं, उनको राहत देने के बजाय ये नया बोझ आप महंगाई का लाद देने का काम कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल क्या कम था जो गैस पे भी आप लगातार रेट बढ़ाते जा रहे हैं। लोग आत्मदाह करने पे मजबूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं जिससे महंगाई से निजात दिलाई जा सके। उत्तर प्रदेश के तमाम लोग आज बेरोजगार हो गए, कोरोना काल में तमाम लोगों की नौकरियां चली गई, उत्तर प्रदेश सरकार उन पे लगातार महंगाई का बोझ डालने का काम कर रही है। कांग्रेस इस समय पूरे देश को कई मुद्दों पर भ्रमित करने का काम कर रही है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष न खोज पाने वाली पार्टी आज जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है। किसान के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, गैस का दाम ₹281 हुआ करता था। मई 14 में उनकी सरकार चली गई, ₹928 एक मई 14 को दाम था। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई? लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई। और वो कांग्रेस आज महंगाई का रोना रोती है। वहीं मई 17 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 1 जून को ₹905 का सिलेंडर मिलता है, और 1 सितंबर की मैं बात कर रहा हूं जो इस सितंबर का महीना चल रहा है, ₹859.50, 5% कम है। इस चीज को भी देखा जाना चाहिए, ये सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। दिसंबर 2020 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर घट कर 4.59% पर आ गई, जो बीते मार्च में 5.84% तक थी और सबसे निम्न दर है। लेकिन इस गिरावट से बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति में ये क्षणिक है। ये गिरावट खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी के कारण आई है, वो भी सिर्फ सब्जियों की कीमतों में 10.41% की भारी कमी की वजह से है। आपूर्ति श्रृंखला के सुचारू होने का भी इसमें थोड़ा योगदान हो सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि महंगाई के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा था।
यदि महंगाई की वजह आपूर्ति श्रृंखला होती तो सिर्फ सब्जियों की कीमतें नहीं घटती, लेकिन सब्जियों को छोड़कर बाकी खाद्य उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के रुझान सरकार की बात को बेमानी बताते हैं। और अनाज और संबंधित उत्पादों की कीमतों में दिसंबर में हालांकि मामूली 0.98% वृद्धि हुई, लेकिन मांस और मछली की कीमतें 15.21% और 16.08% बढ़ी। तेल और वसा की कीमतों में 20.05% वृद्धि हुई तो दूध और दुग्ध उत्पाद 3.98% महंगे हुए। फल की कीमतें 2.68% बढ़ी, जबकि दालों और उससे जुड़े उत्पादों की कीमतों में 15.98% वृद्धि दर्ज की गई। चीनी में 0.53% महंगी हुई है, जबकि मसाले 10.29% महंगे हो गए। पेय पदार्थों की बात की जाए तो उनकी कीमतें 11.86% बढ़ी। तैयार भोजन, नाश्ते, मिठाई आदि की कीमतों में दिसंबर में 4.81% की वृद्धि देखी गई और वृद्धि का यह रुझान आगे भी बना रह सकता है। विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में सालाना वृद्धि की परंपरा है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल ये नहीं हो पाया था। अब जब स्थिति सामान्य होने को है तो निश्चित रूप से इस साल कीमतें बढ़ाई जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की वजह से मांग बढ़ रही है, जिसका असर भी कीमतों पर ही पड़ेगा। वहीं देखिए जनता कितनी बेहाल है, आपको दिखाते हैं। देश में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष लामबंद है और पब्लिक में हल्ला बोल है। जहां महंगाई को लेकर सभी इकट्ठा हो चुके हैं, महिलाओं से लेकर पुरुष तक महंगाई को लेकर एक तरफा आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन महंगाई है कि लगातार बढ़ती जा रही है। उधर अगर रोज़गार की बात की जाए तो रोज़गार के हालात भी यही हैं। जो रोज़गार अब तक मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिला है, और यही वजह है कि प्रतिदिन प्रदर्शन होते हैं और लोग रोज़गार की मांग करते हैं। मेरे साथ कुछ युवा भी हैं और सिटीजन भी हैं, सीनियर सिटीजन कह सकते हैं, जो बताएंगे कि किस तरीके से अब महंगाई बढ़ रही है या फिर बेरोज़गारी पर जो लोग लामबंद हैं उसको लेकर के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनमोल गर्ग जी। अनमोल, ये बताओ कहाँ तक पढ़े हैं आप, कहाँ कौन सी क्लास में हैं अभी? मैंने अभी बार 12th पास आउट किया है। अच्छा, ये बताओ जो बेरोजगारी का स्तर है किस तरीके से बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है आपको नौकरी मिल जाएगी? जिस तरीके से बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है उस तरीके से तो कहीं भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। और दिन पे दिन अपना पेट्रोल डीजल के भी इतने दाम बढ़ गए हैं, हर चीज़ पे तो रेट बढ़ रहे हैं। सीनियर सिटीजन हैं, शहर के जिम्मेदार हैं, ये बताइए महंगाई को लेकर त्राहिमाम है, चारों तरफ विपक्ष लामबंद हो चुका है, सभी लोग मांग कर रहे हैं कि महंगाई कम हो, डीजल पेट्रोल गैस तमाम चीज़ें महंगी होगी, क्या कहेंगे? देखिए, वास्तव में जो देश के हालात हैं इसका बहुत बड़ा वर्ग जो है, जो युवा वर्ग है वो जिम्मेदार है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन वो धार्मिक कट्टरवाद के बाद कारण, चाहे वो हिंदू कट्टरवाद हो या मुस्लिम कट्टरवाद हो, उस विचारधारा को लेकर पूरे दिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, सोशल मीडिया पर अनाप शनाप चलाते हैं। तो युवा वर्ग तो जो है इस धंधे में लग गया, उसे रोजगार नहीं चाहिए। महंगाई की अगर बात करें तो पहले अगर 1 रुपया रेल पे अगर बढ़ जाया करता था टिकट पर तो पूरे देश में हाहाकार मच जाया करता था। सिलेंडर पे अगर कुछ पैसे बढ़ जाया करते थे हाहाकार मच जाया करता था। लेकिन जो शोर मचाने वाले युवा हैं, जो परेशान हैं, उनको भ्रमित किया जा रहा है, वो अन्य चीज़ों पर लग रहे हैं। आज सिलेंडर की देखिए, कहाँ सिलेंडर बिल्कुल कुछ 7 सालों में डबल रेट पे आ गया है। जब तेल या सिलेंडर अगर महंगा होगा तो स्वाभाविक चीज़ें हैं कि सभी चीज़ें महंगी होगी, क्योंकि पेट्रोल से ही, डीजल से ही सब चीज़ें महंगाई हो जाती है। तो बिल्कुल महंगाई बढ़ रही है, रोज़गार है नहीं, जो लोगों की राय है, प्रतिक्रिया इसी प्रकार क्या रही है। मैं कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि उनकी क्या राय है। मेरे साथ एक जेंटलमैन यहाँ पहुँचे हुए हैं, ये बताइए क्या नाम है आपका? मैं प्रशांत कौशिक। प्रशांत, ये बताइए महंगाई और बेरोजगारी पर क्या आपकी प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, बिल्कुल भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। काफ़ी आपने देखा है कोरोना के टाइम में काफ़ी लोगों की नौकरी जा चुकी है। मैं खुद प्राइवेट सेक्टर से हूँ और यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में है, हमारी सैलरी भी 0.5% कर दी है, 30% मतलब डिडक्शन के बाद दे रहे हैं। तो जहाँ को देख रहे हैं सरकार का बिल्कुल भी रोजगार की तरफ कोई ध्यान नहीं है, केवल एक सांप्रदायिक और एक हिंदू मुस्लिम को लेकर ज़्यादा गया इनका मुद्दा, केवल वोटों की तरफ ही है। सभी किस तरह की प्रतिक्रिया है, चूँकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, लेकिन हैरत ये है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो रोज़गार भी होना चाहिए। अगर रोज़गार होगा तो शायद महंगाई की मार कम हो या फिर लोग उस चीज़ को अफोर्ड करने के लिए
एग्री हो जाए या परिपक्व हो जाए, तैयार हो जाए, लेकिन दोनों ही चीज़ अगर साथ चलेंगी तो जाहिर सी बात है लोगों पर दोगुनी मार तो पड़नी ही है। मेरठ से अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। देखिए, महंगाई का एक और बड़ा कारण ईंधन की कीमतें हैं। ईंधन महंगा होने से माल ढुलाई महंगी होती है और इसका असर खुदरा महंगाई दर पर पड़ता है। सरकार ने कोरोना काल में पेट्रोल डीजल पर दो महीने से भी कम अंतराल में दो बार उत्पाद शुल्क बढ़ाया था। पहली बार 14 मार्च 2020 को पेट्रोल और डीजल दोनों पर प्रति लीटर 3-3 रुपए और उसके बाद 5 मई को पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई। हालांकि कोरोना काल के दौरान वैश्विक बंदी की वजह से भी मांग न होने से कच्चे तेल की कीमत दो दशक के न्यूनतम स्तर पर लगभग $18 प्रति बैरल पर पहुंच गई थी, लेकिन कारण उत्पाद शुल्क में भारी वृद्धि के बाद भी ईंधन कीमतें यथावत बनी रही। अब जब वैश्विक बंदी समाप्त होने के बाद अब मांग बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो उसका असर हर रोज की कीमतों पर दिखने लगा है। इसके अलावा राज्यों ने भी ईंधन पर कोरोना अधिक भार के रूप में वेट बढ़ा दिया। ये गौर करने वाली बात है कि आज पेट्रोल डीजल की जो कीमत हम चुकाते हैं उसका 70% हिस्सा सिर्फ कर का है। यदि सरकार ने ये उत्पाद नहीं बढ़ाए होते तो उपभोक्ताओं को मौजूदा संकट काल में थोड़ी राहत जरूर मिलती। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि का रुझान लगातार बना हुआ है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के बाद मांग बढ़ने लगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी का रुझान है और इसका असर महंगाई दर पर हर हाल में होगा। कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि निकट भविष्य में महंगाई दर 5-6% तक रह सकती है। उपभोक्ताओं की आमदनी के लिहाज से ये दर चिंता का विषय है। महंगाई को तब तक बुरा नहीं माना जाता जब तक कि रोजगार की स्थिति बुरी ना हो, लेकिन भारत में रोजगार की स्थिति भी गंभीर है। दिसंबर 2020 में बेरोजगारी दर बढ़कर 9.07% हो गई, जो नवंबर में 6.50% थी और अक्टूबर में ये 7.02% थी। जून में बेरोजगारी दर 10.18% तक जा चुकी थी। इससे पहले पूर्णबंदी लागू होने के बाद बेरोजगारी दर अप्रैल में 23.52% के ऐतिहासिक सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई थी। मई की बात कर ली जाए तो मई में इसमें थोड़ा सुधार हुआ और ये 21.73% पर आ गई। आगे बेरोजगारी दर में कैसे सुधार होगा फिलहाल कोई खाका दिखाई नहीं देता है। सरकार का मानना है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है और इससे बेरोजगारी दर में भी सुधार होगा, लेकिन आंकड़े इस तथ्य के पक्ष में संकेत नहीं देते। दिसंबर में रोजगार में 48 लाख की कमी हुई और ये 38.88 करोड़ रुपए पर रह गया, जो नवम्बर में 39 करोड़ से ज्यादा था। रोजगार का मौजूदा स्तर 2 साल पहले के स्तर से भी नीचे है। रोजगार के मामले में भारत का स्थिति अभी दुनिया में सबसे खराब है, यानी कि अंदाजा आप लगा सकते हैं कि दुनिया में रोजगार के मामले में भारत की स्थिति क्या है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के अनुसार विश्व की औसत रोजगार दर 57% है, जबकि भारत की औसत रोजगार दर 47% है। ऐसे में पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश भी इस मामले में भारत से आगे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका की रोजगार दर क्रमशः 50% और 51% है, जबकि बांग्लादेश में रोजगार दर 57% है। भारत में रोजगार दर की इस हालत के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार सार्वजनिक क्षेत्र हैं। ILO के अनुसार भारत में कुल श्रम शक्ति का मात्र 3.8% ही सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत है, जबकि अमेरिका में ये दर 15.8% और ब्रिटेन में 21.5%, जर्मनी में 12.9%, फ्रांस में 24.9%, दक्षिण कोरिया में 10.3%, जापान में 10.5%, सिंगापुर में 32% और चीन में 50% है। यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी श्रम शक्ति का 8% हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत है। अब एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ बेरोजगारी है, जाहिर है अर्थव्यवस्था को भरने में अभी वक्त लगेगा।
सरकार का ध्यान महंगाई पर ज्यादा है, लिहाजा उच्च महंगाई दर के बावजूद उसने अपना लक्ष्य 4% बरकरार रखा है, जबकि मौजूदा परिस्थिति में ध्यान रोजगार बढ़ाने पर होना चाहिए। लोगों की जेब में पैसा होगा तभी तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी। लंबे समय तक अर्थव्यवस्था में ठहराव अच्छा संकेत नहीं है, और इसीलिए देखिए कोरोना की दूसरी लहर जब आई, पहली लहर जब आई तब से लेकर अब तक बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की दिक्कत जो है वो देश में दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही है, कम होने की जगह ये बढ़ती जा रही है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े हमने बताए कि जून जुलाई मई अप्रैल तक के आंकड़े बताए कि किस तरह से कितने लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और इसीलिए होना भी चाहिए क्योंकि भारी आबादी, बहुत बड़ी संख्या में आबादी ऐसी है जिसके पास अभी नौकरी नहीं है, यानी कि रोजगार नहीं है। इसलिए लोगों का गुस्सा भी दोहरा बनकर फूट रहा है, वो इसलिए क्योंकि एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी भी अपने चरम पर है। इसीलिए अब सरकार को सोचने वाली बात है, सोचना भी चाहिए कि महंगाई और बेरोजगारी से किस तरह से निपटना है और जनता को किस तरह से राहत दी जानी है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।